अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आगे मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो सस्ती शायरी आज कुछ ज़्यादा ही सस्ती है, तो अर्ज किया है। लड़कियां पहनती हैं हाई हील, वाह 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 वाह। आज वाह भी ज़्यादा होगी, शायरी भी लंबी है, तो रेडी हो जाओ। 5 बार वाह वाह करते हैं, एनोनिमस की पब्लिक को पता है। लड़कियां पहनती हैं हाई हील, वाह 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 वाह। बचपन में हुए थे हम बहुत जलील, वाह 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 वाह। लड़कियां पहनती हैं हाई हील, बचपन में हम हुए थे बहुत जलील। अनोनिमस ने बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, आप सब करोगे प्राउड फील। सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी। तो आज हमने थोड़ी भारी करके सस्ती शायरी सुनाई है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक बटन दबा दो गाइस, गली चुम्मी दे दो साथ में। और आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, तो पूरी वीडियो देखते रहो, आपको मज़ा आएगा। बोर नहीं होने दूंगा अगर आप मम्मी की चमाड़ खा के, चप्पल खा के, जूता खा के, डंडा खा के, चप्पल खा के, गालियां खा के बैठे हो, तो आपको हंसी आ जाएगी। अगर आपको चीज़ के वैसे नहीं दिए तब भी आपको हंसी आएगी, तो टेंशन नहीं लेनी बाबा जी। जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा कच्चे के लिए होगा। आ चुका है आपका अनोनिमस मुल्तान में, यानी मिलिट्री बेस में, और नीले नीले कपड़े पहनने में हमने, और वेक्टर भैया बिल्कुल नहीं है। वेक्टर भैया ने जब से सारा से शादी करने का फैसला किया ना, मैं वेक्टर भैया से, मेरे को बहुत बुरे लगते हैं वेक्टर भैया, मेरे को नफरत हो गई वेक्टर भैया से। तो बाबा जी हम ढूंढ रहे थे गन, फिलहाल हमें गन नहीं मिली, और अब जाके एक महान हस्ती लैंड करेंगे जिनके पैराशूट की आवाज़ हमें आई थी। गाइस मैं ना गेम प्ले की आवाज़ हल्की करके रखता हूँ, तो इस वजह से आपको गेम प्ले की आवाज़ ऐसा आती है। मुझे साउंड और फुटप्रिंट जो फुटप्रिंट का जो साउंड होता है वो मुझे आता है, क्योंकि अभी मैंने जो साउंड किया हुआ ना, जो आप सुन रहे हो, ये 12 है बाबा जी। लॉबी जाओ वापस। हाँ तो मैं कहा था कि अभी जो आप आवाज़ सुनो गेम प्ले की, ये जस्ट 12 है, और नॉर्मल जो होती है वो 100 होती है, तो आप उस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो मैंने कितनी आवाज़ हल्की की हुई है। वहाँ पे एक बंदा बॉट को मारता था, इसका मतलब यहाँ पे और भी बंदे हैं। अब आपका अनोनिमस मजे से लूट कर रहा है, उठाएंगे उठाएंगे क्रॉस बो, किसने मारी गंदी बो। और इतनी देर में भाई टैप टैप करके ऊपर से एक बंदा मार रहा, और टैप टैप करके मार रहा, तो मेरी ज़िंदगी ज़्यादा खतरे में आ गई, क्योंकि स्प्रे जो होता है वो मिस हो जाता है। टैप टैप करके सीधा सीधा गोलियां पड़ती हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम जिंदा बच चुके थे। नीचे आके कर रहे थे फर्स्ट एड से अपने आप को हील। सामने वाली बिल्डिंग में अलग बंदे हैं, वो टावर पे अलग है, तो हमने फ़ौरन से दुड़की लगाई अंदर घुस के बिल्डिंग के, ताकि हमारी ज़िंदगी थोड़ी बच जाए। और अब मैंने यहाँ पे टॉमी उठाई, क्योंकि टॉमी की हमें अशद ज़रूरत है, और ऊपर वाला भैया कहीं पे भाग चुका है। टॉमी बच गया, आ गया भाई, कितनी हेल्थ खा गया। और ये तो तुक्के पे मारा, यहाँ पे तो आपको मुझे गेली चुम्मी देनी पड़ेगी। अगर पहले ही दे दी तो एक कमेंट कर देना कि अनोनिमस भैया वाह 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 वाह, ये आपको कमेंट करना पड़ेगा अगर आपको ये वाला तुक्के वाला गेल अच्छा लगा तो बाबा जी। और फिर हमने यहाँ पे क्रॉसबो की जगह डीपी उठा ली, और वहाँ पर टॉमी गन है। अब मज़े की बात, हम पे हो जाएगा रस, रश नहीं रस, अच्छा ये बोल के दिखाओ, रश रस रश रस रश रस आ, क्या क्या बुलवाता रहता आपका अनोनिमस आपसे। लॉल बैंडेजेस लगा रहे थे, फर्स्ट एड हमारे पास है नहीं, मेडकिट हमारे पास है नहीं, और इतनी देर में बाबा जी हो जाएगा हम पे रस। और टीका हमारे पास है, जो हमने बम में लगा के अपनी हेल्प पूरी करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाबा जी कुछ ऐसा हुआ। आइए आपका इंतजार था, इस बेचारे को पता नहीं था बाबा जी मौत कुछ हुआ, टक से वापस आ गए, इन दोनों के दोनों को भेजा लॉबी में वापस। टैप टैप करके लूट वूट कर रहे हैं, और उसके बाद हमने एकदम लूट इनकी की। अभी आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे सारे बंदे मर चुके हैं, बट ऐसा नहीं है बाबा जी। गाइस आपको एक और बात बताता चलूँ कि आपको पता होगा पबजी में एक स्किन आई थी बाइक वाली, जो आपको बहुत पसंद है स्किन, वो जो लाइक KGF टाइप की एकदम डेंजरस वाली, एक तो वो ना कार्टून टाइप, वो नहीं जो डेंजरस वाली एकदम KGF टाइप है। हाँ मैं बिल्कुल कुछ लाइक काफ़ी महीने पहले मैं उस टाइप की बाइक तैयार करवाई थी, और उसमें क्या सीन था कि वो ख़राब हो गई थी, काफ़ी दिन से ऐसी खड़ी हुई थी, तो मैं उसको ठीक करवाया वापस से, तो उसका मैंने व्लॉग बना के अपलोड किया था। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो अनोनिमस 360, मेरा दूसरा चैनल आएगा, वहाँ जाके आप उसको व्लॉग को देख सकते हो, जिसमें मैं भी हूँ, मेरी बाइक भी है, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ना उसके बोले ऊपर बंदा घूम रहा था, पहले मैं नीचे गया, मुझे लगा नीचे, लेकिन वो ऊपर था, तो हमने ऊपर जाके देखा। आइए सर जी, हमने तो आपको देखा ही नहीं, और यहाँ पर मुस्तफ़ा भैया को नॉक किया, और फिनिश करेंगे इनको, और उसके बाद इनकी करेंगे लूट। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे बंदे सारे मर चुके हैं, लेकिन नहीं बाबा जी। और मैं पहले बता दूँ, कोई क्लिकबेट वीडियो नहीं है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड, आपका अनोनिमस आपसे झूठ नहीं बोलता, आप देखोगे वाकई में, और आप कहोगे वाह अनोनिमस भैया फीलिंग प्राउड। जब अनोनिमस को अच्छा काम करता है ना, तो जो अनोनिमस की पब्लिक है ना, वो बहुत कम लोग हैं,
दिल से चलाने की कोशिश है। अरे सर जी, एक को डाउन के दूसरा हुई है, और आपको बताता चलूँ कि क्राउच करके अगर स्प्रे करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, बट मैं खड़े होकर मारा था, ऊपर से ग्रिप ग्रिप भी नहीं है, तो मैं तो स्प्रे कर रहा था थोड़ी बहुत बुलेट। तो फिलहाल हमने इनको जो है ना यूसुफ भैया को मारा, और अब जाके फाइनली सारे बंदे मर चुके हैं। तो मैं क्या कह रहा था, क्या कह रहा था, मैं ही भूल गया, मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था जो रियल अनोनिमस की पब्लिक है ना वो बहुत कम लोग हैं, और वो अनोनिमस की पब्लिक वो होती है जो लाइक मुबीन से प्यार करती है। मुबीन यानी मैं, मतलब जो रियल लाइफ में मुझे पसंद करते हैं वो दिल से अनोनिमस की पब्लिक है। तो उन सब के लिए मेरी गीली गीली चुम्मी, और बहुत बहुत शुक्रिया इतना सपोर्ट करने के लिए। गाइस ये बंदा गाड़ी लेके छोटे मोटे घर लूट कर था बेचारा, शायद से रैंक पुश कर रहा था, तो बेचारे को जब से गाड़ी उसने उतरने की कोशिश की, उतर के मारो उसकी बैंड बजा दी मैंने भाई, सॉरी भाई, भाई को फिनिश करेंगे, भाई के टीममेट्स नहीं है यहाँ पे, फिनिश करेंगे। और अब मुझे शक हुआ कि ये नोवो से आया, तो हमने फैसला किया कि अपनी गधा गाड़ी उठाएंगे। गधा गाड़ी वो होती है जिसके पीछे रेड़ा होता है और आगे गधा होता है, उसे कहते हैं गधा गाड़ी, जिनको नहीं पता। तो गधा गाड़ी उठा के हमने नोवो में एक चक्कर लगाया, यानी कराची में एक चक्कर लगाया, कोई था नहीं, फ्यूल ख़त्म हो गया था, फ्यूल भरा, उसके बाद मैं ये वाली गाड़ी लेके ब्रिज पर आता हूँ, और बाबा जी ब्रिज कैंप है, नहीं मतलब हम तो पागल हैं, हमने तो देखा ही नहीं। और आजकल वो भी लाइक वो हम जो अंदर से वही बाहर से, बट ये कोई मोमेंट नहीं है वो वाला मीम बोलने का, मतलब मोमेंट क्या बोलूँ मैं, मतलब मेरी इंग्लिश बड़ी गंदी है, तो यू नो माई इंग्लिश। दो बंदे गए, दोनों अरबी हैं, ये अरबी, यू आर कैंपिंग ब्रिज, आई एम पिंडी बॉय पाकिस्तानी मारिंग यू, मरेंगे नहीं भाई, हमारी गोलियाँ ना रबड़ की हैं, रबड़ की फोम की गोलियाँ, और इनकी इनकी भाई गोलियों के अंदर ही पूरी मैगजीन एक साथ आती है, बाहर गन्नी उठा के फेंक के मारते हैं तो, और उसी से हम मर जाते हैं, मतलब क्या। अब मैंने गाड़ी ख़राब की गाइस इनकी, और मैं वेट कर रहा था कि ये दोबारा से पिक दे, हमने 4x लगाया M4 पे, लेट गए स्प्रे करने के लिए। आइए, ओहो हो गाड़ी सेव कर रहे हैं लॉन्डे, आइए ज़रा अपनी, आइए अपना दीदार कराइए, हम आपको नॉक करेंगे, फिर आप लॉबी वापस जाइए, सस्ती शायरी विद अनोनिमस। ओके, इसने हील नहीं किया था भाई, हील तो कर लेता इतना जल्दी में। अब यहाँ पे जो गेम बदल चुकी है, लेकिन काफ़ी दूर हैं वो लोग, तो मतलब मुझे टाइम लगने वाला है वहाँ तक जाने में, उतनी देर में वो रिवाइव हो जाएगा बाबा जी, तो दिख जाएगा जो होगा अच्छे के लिए होगा, नड़ाक अच्छे के लिए होगा। मार्क द लोकेशन, तो बाबा जी यहाँ पे हमने फिर से मौत को छुआ, और टक से वापस आ गए, मेडकिट लगाएंगे, मजे से करेंगे इनकी लूट, एड्रेनालिन लगा रहे हैं अपने बम पे, और कर रहे हैं अपनी हेल्थ पूरी। थोड़ा इस पे पूरी पे भी मैं लाइन बनाता हूँ, तोता खा रहा है चूरी, हम कर रहे हैं अपनी हेल्थ पूरी, वाह 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 वाह। उठाएंगे अपनी बाइक और यहाँ से निकलेंगे बाबा जी, सीधा जाएंगे पिंडी यानी पोचिंग की, और पोचिंग की जाके देखेंगे कि बंदे हैं क्या नहीं। ये बेचारा से मिस फायर हुआ, और यहाँ पे ये अनोनिमस हाउस में बैठ के लूट कर रहा है, भाई मैं नीचे हूँ, लूट मत करो, कहाँ देख रहे हो, वाह 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 वाह, जब तक आपने देखा आप चले गए लॉबी। और भाई ने यहाँ पे 6x हमारे लिए उठा रखा था, जो कि बहुत अच्छी बात है, 4x गिराना पड़ेगा आप और 6x उठाना पड़ेगा, पहले मैं देख रहा था, इसके बाद शायद से स्नाइपर हो तो मैं M16 की जगह स्नाइपर उठा दूँ, बट इसके पास थी नहीं, दूसरी ग्रेड चेक की उसमें भी SKS थी, कानेंटेड या M24 नहीं थी। अभी आप कहोगे भाई वो जो नोवो वाले बंदा था उसके पास थी, बट उस टाइम गाइस मेरे पास 4x था तो मैं नहीं उठा सकता था, तब मैंने पे फर्स्ट एड वगैरह गिराया, मेडकिट उठा ली, क्योंकि मेडकिट एक ही बार में आपकी हेल्थ पूरी कर देती है। उसके बाद अब सामने से ना गाइस गोली चलती है, पता नहीं चल गई थी मैच में, मुझे याद है चली थी, लेकिन अब मुझे एडिटिंग के टाइम नहीं पता कि चल चुकी थी या नहीं, तो मैं एक बार ना यहाँ पे ना राउंड लगा के देखता हूँ कोई बंदा हो, बट कोई बंदा था नहीं। तो उसके बाद हमने यहाँ से अपनी बाइक भगाई और हम सीधा पहुंच गए कहाँ 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 कहाँ, रॉज ऑफ यानी पिशावर। और यहाँ पे आप देखोगे अनोनिमस के साथ ना प्रैंक होने वाला है आपके, अनोनिमस के साथ बड़ी सर जी, हमने तो आपको देखा ही नहीं। तो पहले तो काफ़ी बुलेट्स मिस हो गई, और मैं फिर से वही गलती कर रहा हूँ कि मैं खड़े होकर मार रहा हूँ, प्रोन होकर नहीं मार रहा है। वैसे तो ये चलो टैप टैप शॉट्स थे, अगर स्प्रे दे रहे हो तो आप प्रोन होकर या क्राउच करके मारा करो। और आप थोड़ी सी सेंसिटिविटी सेट करेंगे 6x की, आप अपनी बनाओ तो गैस बेटर है प्रैक्टिस में जाके, क्योंकि सबके मोबाइल की जो सेंसिटिविटी होती है ना, टच होता है, वो सबका अलग होता है, तो इसलिए रिक्वायर करना जो है, अगर सेम डिवाइस है तो फिर ठीक होता है, लेकिन अलग अलग डिवाइस है तो सबका टच अलग होता है, तो इसलिए आप किसी की कॉपी मत किया करो, अपनी बना लिया करो।
यहाँ मुझे एक बार लगा था कि मैं मर गया, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने थोड़ी सी अकल इस्तेमाल की, बेवकूफ़ी कर दी थी, पीछे आके हील करेंगे। और यहाँ पे आपका अनोनिमस ना इतना गंदा फंस जाएगा ना, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, क्योंकि अब मैंने फैसला किया कि नीचे घरों में जाता हूँ, काफ़ी ओपन है, और इतनी देर में ऊपर गाड़ी आ जाती है राइट पे, साउंड आया था, तो मैंने फौरन से अपनी बाइक उठाई और मैं घर में जा रहा हूँ सेफ होने के लिए, क्योंकि वो हाइट पर है, मैं नहीं चाहता वो मेरी बैंड बजाएं। अब मैंने अपने आप में तो समझदारी दिखाई गाइस कि मैं घर में आ गया, लेकिन मैंने एक थोड़ी सी बेवकूफ़ी भी कर दी, क्योंकि दोनों स्क्वाड के बीच में मैं आ चुका हूँ, और ये जो राइट पर हैं ये भी मुझसे हाइट पर हैं, और जो लेफ्ट पर हैं वो भी मुझसे हाइट पर हैं, तो मैं बीच में फंस चुका हूँ। और उनको मारा था, ये लोग शॉट्स ले रहे थे, इनको मारा था तो वो लोग शॉट्स ले रहे थे। और मज़े की बात पिंग वही है कि अच्छी दिखा रहा है, लेकिन अच्छी आ नहीं रही, मैं आपको दिखाऊंगा। देखो काफ़ी ज़्यादा गोलियाँ मारी तब जाके ये मारा, और अभी आप देखना ये भी नॉक नहीं हुआ, काफ़ी गोलियाँ मारने के बाद अभी देखो इसको भी कितनी ज़्यादा गोलियाँ लगी, ये भी नॉक नहीं हुआ, ये जस्ट पिंग की वजह से, ठीक है। तो लेकिन कोई बात नहीं, देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा कच्चे के लिए होगा। सबर कर रहा था, छत पे जाने का फैसला किया क्योंकि मुझे पता था पीछे नॉक है और हेल्थ पूरी करेंगे, तो मैं रिस्क ले सकता हूँ। यहाँ आके देखा कहाँ कहाँ बंदे हैं, स्क्वाडर्स में थे वो ऑरेंज वाली ये राइट में जो छत है वहाँ बंदे थे, और ये ऊपर वाले मुझे इजीली मार सकते थे, तो ये पोजीशन में मेरे लिए अच्छी नहीं है। ना मैं नीचे विंडो में रुक सकता हूँ, अलग अलग साइड से पड़ रही है, ना मैं छत पर रुक सकता हूँ, अलग अलग साइड से पड़ रही है, तो आपका एनोनिमस फंस चुका है अंकल, मजबूर की तरह आपका एनोनिमस काफ़ी मजबूर है, छत पर नहीं रुक सकता, तो नीचे आ गया। और नीचे आके फिर से मैंने फैसला किया कि मैं एक स्क्वाड से लाजमी कीड़े करूँगा, पंगे करूँगा, एक स्क्वाड मुझे रश करना ही करना पड़ेगा। तो फिर मैंने इन पे फोकस किया जो सामने, और मुझे वो ब्लू वाली बिल्डिंग में बंदा नज़र आया, मैं मूव इसलिए कर रहा था गाइस क्योंकि उनके पास स्नाइपर है, इसलिए मूव करके शॉट ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक को डाउन किया, दूसरे को भी नॉक किया, अब रश करना बनता था मेरा, तो मैंने रश करने का फैसला किया ताकि मैं सैंडविच ना हूँ, एक साइड पे निकल जाऊँ। और ये बाइक अटकी हुई है, और ये लो, ओ भाई वो हेल्थ गई, वो हेल्थ गई, बिस्मिल्लाह 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 रहमान रहीम, बच गया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वरना मुझे लग नहीं रहा था। और यहाँ पे शायद मुझे इसको मारना चाहिए था, बट मेरी हेल्थ बड़ी कम है, इसकी एक आधी गोली भी मुझे मार देती, इसलिए मैं वापस से घर में आया हील की पूरी हेल्थ की। ये बंदा नेड कर रहा है गाइस, तो मुझे पीछे भागना पड़ेगा। और फिर से हमने यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक लगाई, बूस्ट किया खुद को, फिर मैं जाता हूँ ऊपर और छत पर आके यहाँ पे टीपी लेके देखता हूँ, रीलोड वीलोड करेंगे, लेकिन अभी भी अगर मैं छत पे जाऊँगा वो दूसरे घर वाले मारेंगे मुझे। दोबारा से नेड कर रहा है मामा, हिल रहा है, निकाल के बैठा हुआ है, नेड आया, मैं पीछे से फिर भागा, और ये मेरी आधी हेल्थ जा चुकी है। ये लो पीछे हुआ फिर भी मर गया, आप स्लोमो देखना, वही पिंक की वजह से। तो गाइस अब आती है हमारी वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली बारी, इसमें मैं थोड़े दोनों स्नाइपर यूज़ कर रहा था, और मैं अपनी मिस वाली शॉट भी दिखाऊंगा आपको। और इसमें हमने कर दिए थे हाईएस्ट किल, डबल स्नाइपर से गाइस स्टेडियम में हाईएस्ट किल किए थे। तो पहले तो हम मर चुके हैं, क्योंकि लाइक हाथ बिठाने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, एम ख़राब होता है थोड़ा सा, आप खेलते हो दो तीन शॉट मिस करते हो, फिर आपका हाथ अच्छे से बैठ जाता है, वही सीन हो रहा था। अभी फिलहाल मैं मरा, एक मारा था मैंने, किल किया था एक, मरा ये शॉट मिस। अभी M249 लेके आ रहा है मामा हिरदा, आइए वापस जाइए, गैस करो गैस, चिटिंग नहीं करनी, देखना नहीं है, गैस करके बताओ कितने किल किए होंगे। ओहो हो भाई पीछे तो देख ले अल्लाह के बंदे। तो गैस अब मुझे, ओ भाई रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा भाई रुक जा, ये लगा गया, रुक जा भाई, सॉरी 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 सॉरी, चार किल थे, चारों मेरे थे। आप ना मुझे कमेंट करके बताओ कितने किल्स का डबल स्नाइपर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया आपके एनोनिमस ने, देखते किसका तुक्का ठीक है। ये बॉडी शॉट लगा लेकिन मरा नहीं, और ये तो मैंने थोड़ा सा आराम से मारा, इसमें मर गया ये बंदा। और ये दूसरा किल, 6 किल हो चुके हैं, 6 के 6 हमारे हैं, 7 किल हो चुके हैं, 7 के 7 अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हमारे टीममेट खेल रहे हैं फिर भी नहीं मार रहे। आइए M24 लेके एम करके जाइए, ओके बेस्टी हो गई, जाइए। आप मुझे ये भी कमेंट करके बताना कि कौन सा फेवरेट किल है आपका, मतलब कौन से वाले स्नाइपर की शॉट आपको सबसे ज़्यादा फेवरेट लगी, कमेंट करके बताना। ये 11 किल हमारे हो चुके हैं, 11 के 11 हमारे हमारे टीममेट्स का एक भी किल नहीं है, और मैंने उनको कोई पैसे वैसे नहीं दिए गाइस, ये लोग रैंडम है। तो ये नेड आया था तो मैंने साइड पे थोड़ी सी अपनी बम बचाया। 12 के 12 किल हमारे, 13 के 13 किल हमारे, मिस हो गया ये लगा, ओके मरना चाहिए था, मरा नहीं, मुझे भी बॉडी शॉट लगा।
और अब मुझे दोबारा से मारना पड़ेगा। बाहर आ गए थे सर, तो हमने सर को यहाँ पे डाउन किया। जाइए, 15 किल हो चुके हैं गाइस हमारे, जिसमें से 16 टीम के हैं, और मतलब एक ही किल इन टीममेट्स का मेरे और बाकी सारे मेरे हैं। तो गाइस देखते हैं कितने, मुझे तो पता है लेकिन आप लोगों को पता नहीं है ना, तो देखते हैं कितने किल्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। ये एक और बॉडी शॉट मारा बट मरा नहीं, और ये मारा तो मर गया। मैं पीछे जा रहा था, उसने बैंड बजा दी कार 98 से मेरी। 18 किल टीम के, 17 किल मेरे, और 8 किल हमारे, 9 किल हमारी एनिमीज़ के। ये लगा बाबा जी, बम ज़मीन पे घिसते हुए आगे बढ़ रहे थे हम, फिलहाल नहीं घिसा, नेड आया तो साइड पे हो गया, फ़ौरन से मैं बच गए और अपनी टीममेट को मार दिया उसने। ये गया लेटे में सर जी, हमने तो आपको देखा ही नहीं। ये गया सर, दिखाइए अपना, सर दिखाइए अपना। ये गया 23 किल टीम के, 21 किल हमारे। ओके, अब आपको कमेंट नहीं करना, जब मैं पहले बोल रहा था तब करना था, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। ये ओके बेइज्जती हो गई, ओके दोबारा बेइज्जती हो गई। ये गया, ये गया बाबा जी, 11 किल रह गए बस, और हमारे 23 किल हैं। ये गया 24 25, 9 किल बचे हैं, 25 हमारे, 8 किल बचे हैं, 25 हमारे। ओके 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 भाई 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 भाई, वेट वेट भाई मेरे, सबर सबर, दो दो आ गए। ओ भाई रुक जा, दो दो मार रहे, बॉडी शॉट लगा मरा ही नहीं। तीन तीन बंदे आ रहे हैं, ये गलत है भाई, ये सरासर जाती है। 25 किल हमारे हैं, 33 टीम के हैं। देखते हैं डबल स्नाइपर से टीडीएम में हाईएस्ट किल कितने कर पाते हैं। ये लगा तो बाबा जी 26 किल हो चुके हैं, ये 27 किल हो चुके हैं हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओके ये बंदा भाग रहा है, इसको मारना पड़ेगा। ये हो गए हमारे 28 किल, 4 किल बचे हैं बस। 29 किल, ये ओके 28 ये बॉडी लगा, सॉरी मरा ही नहीं। 29 किल, 3 किल बचे हैं। ये लगा, ये मरा ही नहीं, ये मर ही नहीं रहा, कैसे एम करके खड़ा है, ऑफलाइन है शायद से, उसका किल मुझे भी नहीं मिला, टीममेट को मिला मेरे। अरे बाबा जी यहाँ पे हमने 30 किल्स डबल स्नाइपर के साथ विक्ट्री हासिल की। तो गाइज ये रिकॉर्ड कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करके कमेंट्स में जरूर बताना, और आप अपना हाईएस्ट बता सकते हो कि डबल स्नाइपर में आपका हाईएस्ट किल कितने थे। और गाइज इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, मज़े मज़े की पिक्चर्स और वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। प्लीज़ एनोनिमस के पब्लिक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या मैं कमेंट्स में पिन कर दूंगा। कोई बात बुरी लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसे प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कल अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दिल से लव यू एनोनिमस की पब्लिक, अल्लाह हाफिज़।